स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में क्या होने वाला है आज रात के एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सारांश कहता है मुझे माँ से मिलना है और महिमा सारांश को समझाती है, लेकिन एट लास्ट वो कन्विंस हो जाती है कि वो सारांश को महिमा मिलाने जाएगी प्रशा से उसके घर पर। दूसरी तरफ रुद्र प्रशा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी डोरबेल बजती है और वहाँ पर खड़े होते हैं सारांश और महिमा, और यहीं से होती है कुछ घंटे पहले की कहानी की शुरुआत। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष और सारांश अपने बेड पर लेटकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होंगे। रात का समय होगा जहाँ पर सारांश से रुद्र कहेगा कि चलो चैंप, अब बहुत देर हो गई है, आप अपना काम फिनिश करो और नाइट सूट पहनकर आओ और हम सोते हैं क्योंकि अब रात हो चुकी है। जैसे ही सारांश ये सारे काम करने के लिए जाता है, रुद्र को आती है प्रशा की याद और वो फौरन कॉल मिलाता है और उसे बात करने के लिए इंसिस्ट करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्रशा भी कहती है कि हाँ मिस, तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रही हूँ, पर क्या करूँ, हमें ये करना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, सारांश के लिए। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और ऐसे में तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। प्रशा रुद्राक्ष को संभालने के लिए कहती है कि तुम्हें जब भी इस तरीके का फील हो तो तुम ये याद कर लेना कि हम दोनों ये सब कुछ सारांश के लिए कर रहे हैं और बस कुछ दिन की बात है, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और हमें महिमा के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर मिल ही जाएगा। चलो अब तुम सो जाओ। लेकिन रुद्राक्ष यहाँ पर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, सारांश को तुमने बताया कि हम ये गेम खेल रहे हैं, वो तो ठीक था, लेकिन तुमने बाकी सबको ये सेम बात क्यों बताई? प्रशा कहती है कि अगर मैं सबके सामने ये बात नहीं बताती तो सारांश एक छोटा सा बच्चा है, कल को अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाता और वो महिमा के सामने कुछ कह देता जिससे उसे शक हो जाता तो हमारा पूरा का पूरा बनाया हुआ प्लान बेकार हो जाता, इसीलिए मैंने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रशा की स्मार्टनेस से इम्प्रेस होता है और कहता है ओह वाइफी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। प्रशा कहती है कि हाँ मिस्टर हस्बैंड, तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, चलो अब बहुत लेट हो गया है, तुम सो जाओ। अगली सुबह होगी, युवराज यहाँ पर चिल्ला रहा होगा कि लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लेकिन यहाँ पर तो नेचुरल सनलाइट होगी और प्रशा तैयार हो रही होगी। प्रशा को देखकर युवराज थोड़ी सी कंफ्यूजन में होता है और उससे कहता है कि अरे तुम तैयार हो गई, मैंने तो सोचा था कि तुम नहाकर गीले बालों से मुझे उठाओगी और फिर मेरे लिए चाय लेकर आओगी, लेकिन तुम तो पहले ही तैयार हो गई। प्रशा कहती है कि सुनो, ये सब सपने में ही अच्छा लगता है, भूलो मत कि तुम मेरे नकली पति हो, असली नहीं। युवराज कहता है कि हाँ हाँ आई नो आई नो, वरना तुम असली में तो मुझे चप्पल से मारोगी, थप्पड़ से नहीं। प्रशा भी अपनी सैंडल दिखाती है और कहती है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें चप्पल से भी मार सकती हूँ और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तभी दूसरी तरफ वो वेंकटेश्वरा से पूजा करती है और कहती है हे वेंकटेश्वरा, आज सब कुछ ठीक कर देना, मुझे कोई ना कोई महिमा के खिलाफ सबूत ज़रूर मिल जाए, ऐसा मैं आपसे प्रे करती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्र और सारांश को नींद से जगाने के लिए सुबह सुबह महिमा आती है और कहती है कि उठो उठो, गुड मॉर्निंग, सारांश तुम अपना दूध पी लो और रुद्राक्ष तुम चाय पी लो। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ ठीक है, तुम रख दो, मैं अभी थोड़ी देर में पीता हूँ। लेकिन सारांश जैसे ही महिमा को अपने रूम में देखता है उस पर चिल्लाता है और तभी अचानक से उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे प्रशा मम्मा ने बताया था कि हम ये गेम खेल रही हैं जिसके बारे में महिमा को शक भी नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो झट से जाकर महिमा को गले लगाता है और कहता है गुड मॉर्निंग मम्मा, हाँ चलिए आप मुझे दूध पिला दीजिए। ये बात देखकर महिमा खुश हो जाती है और रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी महिमा उससे कहती है कि हाँ चलो फटाफट से दूध पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी कर दूंगी। और ऐसा कह के रुद्र के सामने ही सारांश और महिमा वहाँ से चले जाते हैं। तभी रूम में होती है प्रशा की एंट्री, जो रुद्राक्ष को हाई करती है और उसके करीब आती है, और रुद्राक्ष वहाँ पर प्रशा को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, आकर तुम यहाँ कैसे आ गई। तभी प्रशा बिना कुछ बोले उसके करीब जाती है और उसे गाल पर किस कर लेती है। तभी रुद्राक्ष की आँखें बंद होती हैं और रुद्राक्ष पूरा पिघल जाता है। तभी उसे समझ आता है कि अरे प्रशा वाकई में नहीं आई, ये तो दरअसल एक सपना था। वो अपने आप में मर्मर करता है और कहता है कि वाह वाह प्रशा, अब ऐसा होगा,
अब तो तुम मेरे सपने में भी आने लगी हो, हर जगह तुम ही तुम नजर आती हो। अब ये हाल होगा, अब तुम ही हो हर जगह, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो प्रिशा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जल्दी से मुझसे मिल लो। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे महिमा के खिलाफ कुछ बड़ा सबूत मिला है। प्रिशा से रुद्राक्ष कहता है कि बस अब बहुत हुआ, तुम काम वाम तो बाद में करती रहना, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है और कैसे भी करके तुम मिलने प्लान बनाओ। तो प्रिशा कहती है कि ठीक है, आज शाम को 6 बजे तुम मेरे घर आ जाना। रुद्राक्ष कहता है अरे वहां पर तो अप्पा और अम्मा होंगे। प्रिशा कहती है डोंट वरी, मैं उनको कहीं भेज दूंगी, तुम ठीक 6 बजे मुझसे मिलने मेरे घर आना, और फ़ोन रख देती है। ये बात सुनकर रुद्राक्ष इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, जैसे वो अपनी पहली डेट पर जा रहा हो। प्रिशा घर पर लौट कर आती है, युवराज उससे पूछता है कि आ गई तुम? हाँ, मुझे तो लग रहा था कि तुम थोड़ी और देर लगाओगी। लेकिन यहाँ पर प्रिशा कहती है कि तुम्हें आज कहीं जाना होगा क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। युवराज कहता है कि क्यों, तुम डेट पर जा रही हो? प्रिशा कहती है हाँ, मैं डेट पर जा रही हूँ। तो युवराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी प्रिशा कहती है लेकिन रुद्राक्ष के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। युवराज कहता है प्रिशा से कि क्या यार प्रिशा, तुम हर बार सपने दिखाकर उन्हें बुरी तरह से तोड़ देती हो, तुम्हें मुझ पे कभी तरस नहीं आता? प्रिशा कहती है कि ज़्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे लिए मैंने मूवी की टिकट करा दी है, तुम अम्मा अप्पा के साथ मूवी देखने जाओगे। प्रिशा की बात युवराज मानने से मना कर देता है। तो प्रिशा उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हर बार बेड के नीचे ही सोना पड़ेगा, यानी कि ज़मीन पर, और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच सकते हो। प्रिशा की तरफ देखता है युवराज और कहता है कि हाँ हाँ, पहले वो रॉकस्टार रुद्राक्ष खुराना ही काफ़ी था धमकी देने के लिए कि अब तुम भी मुझे धमकी देने लग गई, ठीक है मैं चला जाऊँगा। और कुछ? तो प्रिशा कहती है नहीं, बस इतना ही, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, भूलना मत। ये कहकर के वो सब चले जाते हैं। और तभी 6 बजे एग्जैक्ट रुद्राक्ष आ जाता है, रुद्राक्ष आ जाता है प्रिशा से मिलने। जैसे ही प्रिशा के करीब जाता है, रुद्राक्ष को प्रिशा कहती है एक मिनट रुको, मुझे महिमा के खिलाफ कुछ सबूत मिला है, पहले मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। प्रिशा कहती है कि जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो मैंने पुलिस से पूछा कि आपको उस आदमी का पता चला, तो पुलिस ने कहा कि नहीं, उसका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, उसके पास से एक बैग मिला है और एक फ़ोटो मिला है। प्रिशा उस बैग को देखने की डिमांड करती है और पुलिस उसे वो बैग दिखाती है जिसमें से एक डायरी मिलती है। प्रिशा रुद्र को दिखाती है कि देखो ये डायरी मिली है, जिसमें पूरी डायरी में आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि लिखा है, लेकिन आखिरी पेज पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जिसमें राजीव का नाम भी लिखा है। प्रिशा समझ जाती है कि ज़रूर ये सारे वही लोग होंगे जिनको उल्लू बनाकर के महिमा ने लूटा है और उनके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि वहाँ पर रुद्राक्ष के बड़े भाई राजीव का भी नाम होता है और इसी को वो बहुत बड़ा प्रूफ मांगती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रुद्राक्ष प्रिशा के हाथ से डायरी ले लेता है और कहता है कि ठीक है, हम काम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, और वहाँ गाना चलाता है। ये दोनों रोमांटिक डांस करते हैं, एक दूसरे के करीब जा ही रहे होते हैं, तभी सडनली डोरबेल बजती है जहाँ पर महिमा और सारांश आते हैं। महिमा को देखकर प्रिशा थोड़ी शॉक्ड होती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि अरे आप लोग यहाँ? सारांश कहता है कि हम आपको सरप्राइज देने आए हैं, और महिमा को कुछ अजीब लगता है और वो प्रिशा से कहती है क्या हुआ, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, हमें दरवाजे के अंदर आने नहीं दोगी? और ये कहकर अंदर आ जाती है, और अंदर जाते ही महिमा जोर से चिल्लाती है प्रिशा, और प्रिशा को लगता है कि शायद महिमा ने रुद्राक्ष को कमरे में देख लिया है। और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब आखिर क्या होगा, क्या देखा है महिमा ने, ये तो आपको पता चलेगा कल रात के एपिसोड में।